दोस्तों, मैं किरण चौधरी। दोस्तों, मैं आज आपको डिजाइनर नेक बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने अपनी कुर्ती ली है और मैंने अपने नाप के अनुसार कटिंग कर ली है। सबसे पहले हम अपनी बुकरम कटिंग करेंगे जिसपे हमें अपना नेक डिजाइन बनाना है। ये मैंने अपनी बुकरम ली है और ये मैंने अपना पेपर लिया है। सबसे पहले हम अपनी बुकरम को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और अपने पेपर को भी ऐसे फोल्ड कर लेंगे। हमें दो गले कटिंग करने हैं तो हमें एक पेपर चाहिए। एक गला हम पेपर का बनाएंगे और एक हम बुकरम का बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, ऐसे ही दोनों हिस्से हमारे बंद रहेंगे और अपनी बुकरम को इस तरह से ऐसे रख लेंगे अपने पेपर के ऊपर और बीच में एक पिन लगा लेंगे जिससे हमारे दोनों हिस्से बिल्कुल सेट रहे। अब हम अपने गले के अनुसार ऊपर से चौड़ाई लेंगे। जैसे मेरे गले की चौड़ाई 3 इंच से थोड़ी कम है, 2 पॉइंट कम लिया मैंने और लंबाई 6.5 लिया इस तरह से। और यहां पर भी हम जितनी हमें ऊपर लेनी है उतनी ही हमें नीचे लेनी है और एक बॉक्स बना लेंगे ऐसे और फिर बीच में 1 इंच लेके हम अपने गले को इस तरह से ऐसे शेप देंगे। ये हमारा एक गला हो गया। अब हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से हम निशान लगाएंगे राउंड में इस तरह हम एक निशान लगा लेंगे। एक गला हमारा ये कटिंग होएगा और एक गला और हमें चाहिए एक्स्ट्रा। जो हमें एक्स्ट्रा चाहिएगा उससे अलग हम ऐसे 1 इंच और ले लेंगे। हमारे दो गले कटिंग होएंगे। ऐसे राउंड में 1 इंच लगा लेंगे। इस तरह से हम चौक लगा लेंगे। अब हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम ये वाला गला कटिंग करेंगे अपना, जिसके साथ अब हमें अपना गला उठा देना है, ये पेपर वाला निकाल देना। अब हमारे तीन गले उस हिसाब से जैसे हमने कटिंग करी है, एक गला हमारा पेपर का हो गया, एक दो हमारे बुकरम के बन गए। लेकिन हमें जो ये बुकरम वाला छोटा गला बनाया इसकी जगह हमें पेपर वाला गला लेना है, ये वाला। और ये वाला हम अपनी शर्ट पर अटैच करेंगे, इस पर हम डिजाइन बनाएंगे। जो हमने ये पेपर वाला गला बनाना है ये हम यहां से पूरा रखेंगे इस तरह से, क्योंकि हमें इस पर डिजाइन बनाना है तो हम डिजाइन थोड़ा बड़ा बनाएंगे, आधा इंच इस तरह से। पेपर की कटिंग करेंगे। ये स्टेप में हमने अपना पेपर वाला गला कटिंग कर लिया और ये हमने बुकरम वाला कर लिया। इस तरह से हमारे दो गले बनकर तैयार होंगे। ये हमारा शर्ट पे अटैच होएगा और इसमें हम डिजाइन बनाएंगे। अब हमें अपने गले पर शर्ट पर निशान लगाने हैं। हमें गला कितनी दूरी पर डिजाइन हमें बनाना है उसके लिए हमें अपने कपड़ा इस तरह से फोल्ड कर लेना है और हमें सबसे पहले अपने शर्ट
साठ पर निशान लगाना है लंबाई में, जितना हमें गला रखना है। जैसे हमने बुकरम का गला 6.5 इंच कटिंग किया है तो हम ऐसे निशान लगा लेंगे 6.5 इंच पर ही इस तरह से। और हमें चौड़ाई देखनी है, चौड़ाई हमने 3 इंच से कम ली है 2 पॉइंट, तो ऐसे निशान लगा लेंगे। नीचे वाली साइड भी और ऊपर वाली साइड भी। अब हमें अपने दोनों गले देखने हैं, ये हमारा बुकरम वाला गला है जो हमारा इस तरह से आएगा यहां तक, और उसके बाद जो हमारा ये बड़े वाला गला है ये हमारा अब इससे आगे अटैच होएगा यहां से और यहां तक, हम इसी तरह निशान लगा लेंगे। ये बड़े बड़े वाला हमारा यहां से होएगा और यहां से शुरू होएगा जो हमने ये निशान लगाया। अब हम अपनी शर्ट को साइड कर देंगे। पहले हम कपड़ा लेंगे जिस पर हमें अपने गले तैयार करने हैं, इस गले को हम हटा देंगे छोटे वाले बुकरम वाले को, और हम पेपर वाला और बड़े साइज वाला गला लेंगे ये वाला। अब हम ये मैंने लाइनिंग ली अपनी शर्ट के मैचिंग की और इस तरह से रख लेंगे इस पर अपने गले को। ऐसे पीने लगा लेंगे। हम दोस्तों अपने गले की सिलाई करेंगे यहां से इस तरह से, जैसे हम अपने सिंपल गले तैयार करते हैं। और हम जो हमने कपड़ा मैचिंग लिया अपनी शर्ट के साथ का, इसका हमें डिजाइन बनाना है, उसके लिए हमें इस तरह से अपने कपड़े को फोल्ड करना है ऐसे, और हमें लुपिया तैयार करनी है। इस तरह से एक पट्टी निकाल लेंगे, ये मैंने 1.25 इंच की पट्टी ली है, 1 इंच से कम ली है और 0.5 इंच से थोड़ी ज्यादा इस तरह से। इस तरह ही हम बाकी पट्टी निकाल लेंगे। और पहले हम एक पट्टी ऐसे सिलाई यहां से इस तरह से सिलाई लगा के अपनी पट्टी को सीधी कर लेंगे। पहले हम अपना गला बुकरम वाला और ये पट्टी सिलाई करके तैयार करेंगे। अब हम दोस्तों ये हमने सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे पट्टी को। ऐसे हमें बाकी पट्टियां भी इसी तरह निकालनी है। हम इसको एक ऐसे करके सीधा और पट्टियां कटिंग करेंगे। हमने 2 इंच की पट्टी लेनी है इस तरह से, और बाकी पट्टियां भी हम ऐसे रख रख के डिजाइनिंग के लिए कटिंग कर लेंगे। हमें नेक के लिए काफी पट्टियों की जरूरत पड़ेगी। हम इसी तरह से कपड़ा कटिंग करके पहले अपनी पट्टियां तैयार कर लेंगे।
ये दोस्तों मैंने अपनी पट्टियां सारी तैयार कर ली हैं नेक डिजाइन के लिए कटिंग करके। अब हम अपना पेपर लेंगे जिसपे हमें अपनी पट्टियां अटैच करनी है डिजाइनिंग के लिए। हम एक पॉलिथीन ले लेंगे, उसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे जिससे हमारे कपड़े पे ग्लू नहीं लगेगी। हमें इसके लिए ग्लू चाहिए होती है। हम इस तरह से कपड़े पर ऐसे ग्लू लगा लेंगे और ऐसे लंबाई में भी। अगर आप कपड़े पे लगाओगे तो आपका कपड़ा भी साथ में चिपक जाएगा। हम इस तरह से सारे राउंड में ही ग्लू लगा लेंगे और हमें एक एक लुप्पी उठानी है अपनी और इस तरह से ऊपर सेट कर देनी है। हमें ऐसे थोड़ा थोड़ा सा गैप रखना, बिल्कुल ही बिल्कुल अटैच नहीं करनी। हमें दोनों साइड से इसी तरह लुपियों को लगाते आना है। हम चाहे तो मशीन के साथ भी लगा सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है लुपिया लगाने का पेपर पर। इससे हमारा डिजाइन जल्दी बनकर तैयार होएगा और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अगर हम सिलाई के साथ बनाते हैं तो हमारी लुपिया इससे हमारी एक जैसी, दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसी लुपिया बनती है। हम ऐसे ही दोस्तों ऐसे ही राउंड में लगाते आएंगे अपनी सभी लुपियों को। दोस्तों ये हमने अपनी लुपियां लगाकर तैयार कर ली हैं। अब हम जहां पे हमने पेपर पे ग्लू लगी थी उससे हटाकर थोड़ा साइड कर लेंगे और इसको सूखने के लिए थोड़ी देर साइड कर देंगे। जब तक हमारा ये गला सूखेगा ग्लू, तब तक हम अपना गला अटैच कर लेंगे अपनी कुर्ती पर जो हमने ये बनाकर तैयार किया है। सबसे पहले हम एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेंगे। और अपने गले की बीच कर लेंगे इस तरह से और एक निशान लगा लेंगे। अब हम अपने गले को ऐसे रखेंगे जो हमने निशान लगाया था इस पर और ऐसे सेट करेंगे यहां पर। अब हम यहां से ऐसे सिलाई कर लेंगे। दोस्तों ये हमने अपना राउंड शेप बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम हमने जो ये डिजाइनिंग अपनी तैयार की है अब हम इसको लगाएंगे। दोस्तों वीडियो एंडिंग तक देखना तभी आपको पूरी डिजाइनिंग समझ में आएगी। हमारे जो ये इधर एक्स्ट्रा निकला हुआ है सबसे पहले हम इसको एक साथ कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा ही बाहर रखेंगे हम, हल्का हल्का जो हमारा अंदर सिलाई में जाएगा। ऐसे ही हम आगे वाली करेंगे। अब हम अपने गले को इस तरह से सेट करेंगे ऐसे। पहले एक निशान लगा लेंगे जहां पे हमें सिलाई करनी है चौक के साथ। ऐसे रख लेंगे। हमें गले की बीच भी करनी है, जहां पर हमारी बीच आएगी उसको हम ऐसे बीच में ही सेट करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों हमारा पेपर नहीं फटना चाहिए।
अगर हमारा पेपर फट गया तो फिर हमारी शेप खराब हो जाएगी। इसी तरह से हम अपने कपड़े को ऐसे सेट करते जाएंगे और ऐसे सिलाई लगा लेंगे। पहले हम इधर सिलाई, दोस्तों हम ऐसे, ये हमने रेबिन पाइपिंग ली है अपनी स्ट्रेचेबल, ये हमने डबल फोल्ड किया और इसको इस तरह से करके अब हम ऐसे राउंड में पाइपिंग लगाएंगे ऐसे। ये दोस्तों मैंने बीट्स लिए हैं पेरल मोती छोटे साइज में। अब हम अपना फाइनल लुक देंगे अपनी नेक को इस तरह से, ऐसे धागे को बिल्कुल ऐसे बीच में से उठाएंगे और जब हमारा धागा आएगा तो इधर इसको इस तरह से खींच लेंगे ऐसे। ऐसे मोती लगा लेंगे हमें अच्छे से पक्का करना है और ऐसे नीचे निकाल के यहाँ पे ऐसे नोट लगा देना है और हमें धागा हर मोती लगाने के बाद धागा कट करना है और फिर आगे नया धागा शुरू करना है। इसमें भी इसी तरह हम जो हमारे धागा है ऐसे बीच में से ऐसे ले आएंगे और फिर एक बीट्स लगा लेंगे ऐसे। हमें बिल्कुल टाइट खींचना है और ऐसे राउंड में घुमा देना है। फिर हमें इस तरह से नीचे लेके जाना है और यहाँ पे एक नोट लगा देना है
इसी तरह से दोस्तों हमें राउंड में बीट्स लगाने हैं और इसी तरह जैसे मैंने सिखाया आपको ऐसे ही हमें सेम धागा निकालना है सभी में। पहले मैं बीट्स लगाकर तैयार कर लूंगी। इसी तरह दोस्तों हमने ऐसे राउंड में बीट्स लगाकर पहले अपने नेक को अच्छे से तैयार कर लेना है। दोस्तों ये हमने अपना नेक कंप्लीट कर लिया है बीट्स लगाकर, हमारी बहुत ही खूबसूरत लुक आई है हमारे नेक की। अब हमें क्या करना है, जो हमने ये पेपर लगाया था उसको हम हटा लेंगे इस तरह से। जब हमारा पेपर हटेगा तो इस तरह से हमारी नेक की लुक नजर आएगी। दोस्तों ये पेपर निकलने के बाद आप फाइनल लुक देख सकते हो हमारे नेक की। और जो हमने ये नीचे बुकरम वाला बनाया था उस पर हमने तुरपाई कर ली और एक्स्ट्रा सिलाई निकाल दी है और ये हमने पाइपिंग लगा ली। हमारा नेक बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुआ है। ऐसे ही दोस्तों आप भी अपनी प्लेन कुर्ती को एक नए डिजाइन डाल के एक खूबसूरत लुक दे सकते हो। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।